सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हाँ नवनीत रंधावा, ते हुण एक नज़र अज के बुलेटिन दिया मुख खबरां वाल। उप मुख्यमंत्री अते विधानसभा हलका अमृतसर केंद्री तो कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश सोनी ने चोन सभा नूं कीता संबोधन। साबका मंत्री विधायक अते विधानसभा हलका अमृतसर पूर्वी तो श्रोमणी अकाली दल BSP गठजोड़ के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया चोन प्रचार। मैडिकल सिक्ख्या मंत्री अते हलका अमृतसर वेस्ट तो कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार ने चोन सभा नूं किया संबोधन। अते हुण खबरां विस्थार नाल। विधानसभा हलका अमृतसर केंद्री तो कांग्रेस के उम्मीदवार अते उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी का चोन प्रचार इस मौके ते अपने शिखर ते है। श्री सोनी ने कटड़ा करम सिंह का दौरा करके लोगों नाल मुलाकात की, इस चोन रैली नूं भी संबोधन किया। उन्हां लोगों नूं अपील की कि हल्के के संपूर्ण विकास लई लोग उन्हां नूं वोट दे के जेतू बनाण। इस मौके ते कौंसलर विकास सोनी, जिला प्रधान अश्विनी पप्पू, गुरदेव सिंह दारा अते अशोक चौधरी समेत कई लोग मौजूद सन। विधानसभा हलका अमृतसर पूर्वी तो श्रोमणी अकाली दल बादल अते BSP दे सांझे उम्मीदवार साबका मंत्री अते विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने वेरका दा दौरा करके लोगों नाल मुलाकात की, घर घर जाके उन्हां चोन प्रचार किया। उन्हां लोगों नूं श्रोमणी अकाली दल बादल दीआं नीतियां तो जागरूक किया। उन्हां आख्या कि पंजाब दी कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल हर फ्रंट ते फेल साबित होई है, अते इस वार पंजाब च श्रोमणी अकाली दल बादल अते बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ दी सरकार वड्डे बहुमत नाल बनेगी। उन्हां लोगों नूं अपील की कि हलका पूर्वी दे विकास लई लोग उन्हां नूं वोट देण। ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਹਲਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਾੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੂ। ਕੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, SC ਵਰਗ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ।
डॉक्टर वेरका ने कहा कि कांग्रेस इस बार विकास के मुद्दे से चोन लड़ रही है। इस मौके AICC ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय प्रधान वरिंदर कुमार फुल, महिला विंग की जिला उप प्रधान आशा शर्मा, सविंदर सिंह सिद्धू, सतबीर बरनाला, संजीव बिल्ला, डॉक्टर राकेश शर्मा, गुरमुख सिंह पन्नू, प्रधान कुलदीप सिंह समेत वड्डी गिनती च इलाका वासी मौजूद सन। कामां नूं कंप्लीट कर दिता गया, तुहाडे पार्कां दे कामां नूं पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और बहुत सारे अजे चल रहे हैं काम, जिहड़े कि बड़ी जल्दी सारे काम कंप्लीट करांगा। मैं तुहानूं एक गल कह रहा बई, मैं तुहाडे कोल हां, मेरी जिम्मेवारी आ इन्हां सारियां चीज़ां नूं पूरियां करना, इन्हां सारियां नूं कंप्लीट करना। और मैं तुहानूं होर एक गल कहना, मैं तुहानूं सिर्फ ये बेनती करनी भी अज जरूरत इस गल दी है कि असी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाना चाहते। उन्हें साडे गरीबां दी बांह फड़ी है, आम लोगों की पहले बांह फड़ी है भी साडे बिजली के बिल माफ़ किने किए, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने किए, साडे पानी के बिल भी माफ़ किए है, साडियां पेंशनां भी 1500-1500 कर दित्तियां है, और जिन्हें भी ये साडे काम हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट सारे हिंदुस्तान नालों ज़्यादा इतने सस्ते हैं, और तुहाडी डिवेलपमेंट के कामों के भी बहुत सहाई हो रहे हैं। डॉक्टर साहब लड्डू ने जोखे गए, डॉक्टर साहब जित गए ने जी, तो करके जो जोखे गया लड्डू तो ऐलान होना बाकी है, डॉक्टर साहब जित चुके ने, इस वे ऐलान होना बाकी रह गया। उप मुख्यमंत्री अते विधानसभा हलका केंद्री तो कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश सोनी ने हल्के की वार्ड नंबर 55 विखे चोन सभा नु संबोधन करदिया अपने विचार सांझे किए। उन्हें आख्या कि हल्के के संपूर्ण विकास लिए लोग उन्होंने वड्डे बहुमत नाल चोणां विच जेतू बना। इलाके के लोगों ने श्री सोनी नु सन्मानित किया। मीटिंग विच कौंसलर विकास सोनी, साबका कौंसलर सुरेंद्र कुमार, अशोक चौधरी समेत कई लोग मौजूद सन। जो तुसी कहा तुहानू याद है उस वेले इलाके जो मैं मेयर बनिया सी, आ पुराने धर्म पर जी इत्थे तुसी सारे जानदे हो, इत्थों लंघना बड़ा औखा सी, ना इत्थे पानी दा इंतजाम, ना सीवरेज दा इंतजाम, ना कोई गलियां। उस वेले मैं इत्थे आउंदा सी, आ जिन्नियां भी गलियां जिन्नियां भी सड़कां उदों तक बन रहियां ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ ਪੁੱਛਣਾ। ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਗਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਨੀਫ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੇ ਗਨੀਫ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚਨੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਸਰਪੰਚਨੀ ਬਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਲਈ ਲਾਡੋ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਜੇਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਚੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 62 ਵਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੀਰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਬਦਾਨੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਭਰਾਓ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਵੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ BSP ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ SDPC ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਕਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
विधान सभा हलका सुजानपुर तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अते विधायक दिनेश सिंह बब्बू के हक विच भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने चोन प्रचार किया अते लोकां नूं अपील की कि पंजाब विच बेहतर सरकार बनाउण लई लोग भारतीय जनता पार्टी नूं वोट देन। इस मौके ते मंगल सिंह पठानिया, उत्तम सिंह रखवाल, रणजीत सिंह अते सुभाष पठानिया समेत कई लोग मौजूद सन। अज मैं सवेर दा लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने कल आना है और जायजा लेना से और सब लोगों नूं सनेहा लाना से आया सी, पर बहुत जबरदस्त उत्साह टोटल पठानकोट जिले दे अंदर, गुरदासपुर दे अंदर मैं देखे और लोग छोटी छोटी मीटिंग है जी, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार लोग, उन्हें छोटे जे पिंड की मीटिंग है तो हज़ार के लगभग लोग खड़े ने, भैना बाहर आ रही हैं। दिनेश बब्बू जी ने हमेशा ही प्रयास किया इस इलाके से, और कभी बब्बू जी ने स्टेज पर आना ये नहीं, इक्को काम कि सुजानपुर मेरा माई बाप है, सुजानपुर मेरा घर है, इतों के लोगों की सेवा करनी है। इस बहुत वड्डा हुंगारा, मैं लगता पंजाब च हाईएस्ट वोट तो सुजानपुर सीट असी जीतांगे। अज आशीर्वाद देन आए ना तरेड़ी पिंड च, और ये सुजानपुर की सीट जी भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने जितानी है, और वर्करां जिस तरीके पार्टी का वर्कर तीन चुनाव से लगातार मेहनत करता रहा और भारतीय जनता पार्टी जिताया, अज भी वर्कर मैं सलाम करना जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी का वर्कर दिन रात करे करता, और कोई दुनिया की ताकत नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। विधानसभा हलका अमृतसर दखनी तो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तलबीर सिंह गिल ने हल्के की वार्ड नंबर 64 विखे घर घर जा के लोगों मुलाकात की, इस मौके पर कई लोग श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए। श्रोमणी अकाली दल च शामिल होए लोगों को सम्मानित किया गया, कई लोग इस मौके पर मौजूद सन। विधानसभा हलका अमृतसर नॉर्थ तो श्रोमणी अकाली दल बादल अते बहुजन समाज पार्टी दे सांझे उम्मीदवार अनिल जोशी दा चोन प्रचार इस वेले शिखर ते है। उन्हां वल्लों हलके दे वोटरां नाल संपर्क करके उन्हां नूं अपील की गई कि हलके दे विकास लई उन्हां नूं वोट देन। इस संबंध विच श्री जोशी ने फैजपुरा नवी आबादी विच घर घर जा के लोगों नाल संपर्क किया अते लोगों तों उन्हां दे हक विच वोट पाउण दी अपील की। इस मौके ते गुलशन हंस समेत कई लोग मौजूद सन। जमात सी नवीवादी फैजपुरे के रोण भाजी का कराओ, ये प्यार दिता उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके वाले मंग है कि इतने जोशी इलाके चो इलाके जाके सारे एक बार मिल, सारे लोगों ने बहुत स्वागत किया। एक हिसाब का एक तरफी काम हो गया, ये जोशी भाजी पूरी लीडर तो जितने के बहुत वधिया इतने घर है। सारे इलाकों वासियों हाथ जोड़ के बेनती करदा कि चोन निशान तकड़ी अनिल जोशी भारी बहुमत वोटा पा के जिताओ, तो जोड़े रुके काम आ उन्होंने फिर तो शुरू कराओ। साढ़े महल बहुत वधिया हालात ही हूँ हो जाएंगे जो अनिल जोशी आप वोटा पा के जितावे। पिछले पाँच सालों के लोगों ने इन झूठिया सौहों के आ के और झूठिया वादों के आके लोगों ने एडा वधिया नेता अपने हथों गवा लिया, लोग हूँ पछता रहे हैं, लोगों को बहुत पछतावा वा, लोग कह रहे भी हूँ अनिल जोशी आप जान नहीं देना। विधानसभा हलका अमृतसर दखनी तो श्रोमणी अकाली दल बादल अते बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार तलबीर सिंह गिल ने वार्ड नंबर 65 विखे चोन प्रचार करदिआं लोगों नाल मुलाकात की अते लोगों नूं अपील की कि हल्के दे विकास लई लोग उन्हां नूं वोट देन। बीबी कुलदीप कौर, जगदीप सिंह, SGPC मैंबर राजेंद्र सिंह मेहता, मैनेजर बघेल सिंह, मनमोहन सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਵਾਰ ਭਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, 51,000 ਪੈਨਸ਼ਨ, 2500, 51,000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ, ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼, 3200 ਕੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਿਆ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ।
जून जुलाई के महीने के ट्रैक्टर चला चला सैनिटाइज करते रहे, तो सारे वेखे होना मैं कोई झूठ तो नहीं बोलन दिया। जिनी कि मेरी जेब ने तिलफुल जायज दी कि बाहर ही लोड़ वध सी, मैं उत्थे भी पहुंचने की कोशिश की। और जी 400 यूनिट बत्ती एक वजो सारे फ्री, एक महीने जन्म दिवस समुचे संसार विच बड़ी ही श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया जांदा है, जिसके चलदिआं साडी फास्ट वे न्यूज़ टीम वल्लों शहर के मंदिरां दा दौरा किया गया, तो मंदिरां नूं बहुत मनमोहक फुलां नाल सजाया गया सी। जिस संबंध विच साडी फास्ट वे न्यूज़ टीम नाल मंदिर कमेटी मैंबरां अते माता आरती देवा जी महाराज वल्लों गलबात करदिआं सब शहर वासियां नूं वधाई दित्ती गई। इस मौके शहर भर दे मंदिरां विच कीर्तन कर संगतां नूं निहाल कीता गया। इस मौके बीजेपी दे हलका केंद्री तो उम्मीदवार डॉक्टर राम चावला, बीजेपी दे हलका पूर्वी दे उम्मीदवार जगमोहन सिंह राजू, बीजेपी आगू संजीव कुमार, पंजाब कांग्रेस के जनरल सैकटरी रमेश बॉबी, कांग्रेस के जनरल सकत्तर गुरजिंदर सिंह साबी वालों मंदिर विखे पहुँच के मत्था टेकया गया और सरबत दे पले की अरदास की गई। वड्डी गिणती संगतां ने हाजिरी भरी। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, 645वां सतगुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम के नाल हर देशा विदेशा च हर शहर घर घर मनाया जा रहा है। यही फरमान किया है, मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसी यही है सभी प्रेम से और प्यार से रहने का जतन करे जी। सवेरे पहला तो प्रभात फेरी कटी गई गुरु महाराज की, उस तो बाद अपने शहर के मुख बाजार से होंगे मंदिर समाप्त हुई है, उस तो बाद सुबह सवेर तो ही धार्मिक प्रोग्राम चलते पे जी। 645वां जन्म दिहाड़ा है तो जिसे शहर वासी है बहुत जोर खुशी नाल महाराज का पर्व मनाते पे। गुरु महाराज का कल भी भंडारा चल रहा ही, सवेर अज सवेर तो ही भंडारा चलता पे है, तो रात तक चलता रहेगा जी भंडारा। अज महाराज जी दे सतगुरु रविदास महाराज जी 645वें जन्मदिन दिन की लख लख वधाई दिंदा। कल जड़ा नगर कीर्तन साढ़े महाराज जी की शोभा यात्रा सजाई गई सी बड़ी धूमधाम से श्रद्धा नाल, लोगों ने पूरे सहयोग से शांतिपूर्वक उन्होंने दर्शन किए, तो नगर कीर्तन के शामिल हो के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अज महाराज जी के प्रगट दिवस के उत्ते महाराज जी के सवेर तो कीर्तन पाठ हो रहे हैं, तो रागी जत्थे अपने कीर्तन करके महाराज जी प्रवचन सुना के महाराज नूं निहाल कर रहे, संगतां नूं निहार कर रहे हैं। मैं सब तो पहला तो फास्ट वे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिहड़े अज साडे कोल पहुंचे ने, तो मैं अपने वालों और अपनी मंदिर कमेटी वालों धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी के 645वें पावन प्रकाश गुरपुरब की अमृतसर वासियों, पंजाब वासियों, देशों विदेशों के जिन्हिया संगतं बैठिया ने सारियां सतगुरों के 645वें जन्म दिहाड़े की लख लख वधाई देना हाँ जी। हिंदुस्तान गुरुआ पीरों की धरती है और इत्थे हर त्यौहार बड़ी आस्था शांतिपूर्वक मनाया जाता है। जिस संबंध में मंदिर भूषणपुरा के जो हैड ऑफिस है, जो मंदिर पुरातन मंदिर है, इतिहासक मंदिर है, जिथे कि संगतं वड्डी गिनती च पहुँच के गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही ने, ते श्री गुरु रविदास महाराज जी के अज 645वें जन्म दिहाड़े के मंदिर कमेटिया के मैंबरों वालों समूह संगतों को वधाई दी जा रही है, तो नाल ही संगतं वड्डी गिनती च पहुँच के गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रही ने। कोई जिस तरह की मुराद लैके आ रहा उदा का फल इतों पा के जा रहा है, बड़ा ही सच्चा तो सुचा इतिहासक दरबार है जिथे तुम घर बैठे है दर्शन सारे कर रहे जी। कैमरामैन रमन कुमार के सुशील शर्मा, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। विधानसभा हलका तरन तारण तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवरीत सिंह सफीपुर की चोन मुहिम में उस वेले बल मिलिया जब भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग की मौजूदगी अकाली दल नेता प्रेम सिंह लालपुरा के सपुत्र दलजीत सिंह लालपुरा अते अकाली परमजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो गए। श्री चुग ने उन्हां नूं सन्मानित कीता। भागा भरिया दिन है कि जिन्हां ने पंजाब की राजनीति नूं सेध दित्ती, लालपुरा साहब का परिवार, खुद लालपुरा साहब दो वारी MLC रहे, तीन वारी MLA रहे, एक वारी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट रहे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे। देश भगती की पोलीटिक्स, पंजाब और पंजाबीयत की पोलीटिक्स उन्होंने सारी जिंदगी की। उन्होंने सपूत, उन्होंने
फरजंद सरदार दलजीत सिंह जी लालपुरा अज भारतीय जनता पार्टी च शामिल होए ने। मैं उन्हां दा स्वागत करना। उन्हां दे नाल सरदार परमजीत सिंह जी संधु जिहड़े कि बड़े ही सीनियर आगू ने और खडूर साहब तरन तारण लोग सभा च जिन्हां दी बड़ी सेह है वह भी अज भारतीय जनता पार्टी के आंगन च आए ने शामिल होए ने। और मेरा क्रैडिट देना शफीपुरा साहब जिहड़े साडे तरन तारण तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने उन्हां दी प्रयास वजों ये दो वड्डियां शख्सियतां शामिल होईयां और मैं बड़ा प्राउड फील करना। मुख चोन अफसर पंजाब दे दिशा निर्देशों तहत पंजाब विच विधानसभा चोणां मिति 20 फरवरी 2022 नूं करवाईयां जा रही हैं। वोटां की गिनती मिति 10 मार्च 2022 नूं कीती जाएगी। इस चोन प्रक्रिया दौरान अमन ते कानून की स्थिति बनाए रखने लई मिति 18 फरवरी शाम 6 बजे तो लैके 20 फरवरी 2022 नूं शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने तक अते वोटां की गिनती वाले दिन भाव मिति 10 मार्च 2022 नूं ड्राई डे घोषित किया गया है। यह जानकारी दिंदया विधिक जिला चोन अफसर अते विधिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रूही दुग ने आख्या कि इस समय दौरान शराब के ठेके खोलन अते शराब नू स्टोर करन ते पूर्ण तौर ते पाबंदी लगाई गई है। यह हुक्म होटलों क्लबों अते शराब के अहात्या जिथे शराब वेचन की कानूनी इजाजत ते है ते भी पाबंदी दे हुक्म लागू रहेंगे। इलेक्शन कमिशन दी हदायतां अनुसार 48 आवर्स पहला जड़े ड्राई डे डिक्लेयर हो जाएगा ते 2 दिन जड़ा हैगा स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of February शाम दे 6 बजे तो लैके टिल द डेट ऑफ पोल जो है टिल द कंप्लीशन ऑफ पोल ड्राई डे रहेगा। 2 दिन इत्थे भी लिकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कित भी जड़ा हैगा ये मना सेल की तो यूज़ की मनाही होगी चाहे बार्स एंड शॉप्स वगैरह वास्ते साड़ी स्पैशल जी लास्ट 72 आवर्स विद साड़िया टीम्स असी इंटेंसीफाई कर देंगे ना कि असी इंटेंसीफाई कर देंगे जेडे सानू पता है कि जेडे स्टोर हाउसिस होंगे या गोडाउन होंगे उत्थे पुलिस वालों भी ज़्यादा जी है असी चैक रखा एंड इंश्योर करा कि इस तरह की जी सेल है या मूवमेंट है लिकर की वो नहीं हो। 20 फरवरी जी विधानसभा चोणां होने जा रही उस लैके आदर्श चोन जाबता लागू है और इस दे तहत जिला प्रशासन वालों ऐलान किया गया है कि 18 फरवरी शाम तो लैके 20 फरवरी की शाम तक जिला अमृतसर ड्राई डे रहेगा और वधीक चोन अफसर कम वधीक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रूही दुग का आखना है कि जेकर किसी भी वालों इलीगल शराब की बिक्री की गई या स्टोरेज की गई तो जिला प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। कैमरामैन रिकेश कुमार संदीप सियाल फास्ट न्यूज़ अमृतसर। विधानसभा हलका राजा सांसी के पिंड वैरोको विखे श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार वीर सिंह लोपके के हक च मीटिंग सतनाम सिंह की अगवाई हेठ हुई। इस मीटिंग नूं संबोधन करदिया राणा रणबीर सिंह ने आख्या कि इस वार श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके दलेर सिंह सिमरनजीत सिंह नरेंद्र सिंह जगीर सिंह राजेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। पिंड वैरोकी आन ते तह दिलों धन्यवाद करता हाँ ते वीर जी उन्हां नूं असी विश्वास दिवांदे हाँ कि पिंड वैरोके दे विचों बहुत ही वड्डी लीड ते असी तुहानूं जितावांगे ते नाल ही तुहानूं विश्वास दिवांदे हाँ कि मेरे पिंड चों भी असी जित्तांगे और हल्के चों असी बहुत वड्डी लीड नाल जित के सरदार वीर सिंह लोपोके नूं असी मंत्री बनवावांगे। विधानसभा हलका जंडियाला तो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला ने पिंड गैरी मंडी अते जंडियाला गुरु विखे चोन प्रचार किया अते डोर टू डोर जाके लोगों तो वोटा मंगिया अते इलाका निवासियों ने विधायक सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला नूं सन्मानित किया। इस मौके पर साबका विधायक अजयपाल सिंह मीरा कोंट नगर कौंसल जंडियाला गुरु के प्रधान लवली सरपंच कुलदीप सिंह सरपंच दिलबाग सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। साडे हलका विधायक सुखविंदर सिंह डैनी डोर टू डोर अज जो सारे प्रचार किया अपना सारा सानू पिंड वासियों का इलाके वासियों का जो साथ मिलिया बहुत भरमा हंगारा मिलिया असी दिलों इन्हों का धन्यवाद करते हैं ते सानू 20 फरवरी 2022 नूं भी वध तो वध साडे वीर नूं वड्डी लीड दे नाल जिता के एक बहुत वधिया एक भरमा हंगारा दईए। असी सुखविंदर सिंह डैनी का दिलों धन्यवाद करते हैं जो डोर टू डोर साडे पिंड दे विच अज आए ने। विधानसभा हलका खडूर साहिब तो
श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के चोन प्रचार के तहत पिंड जहांगीर विखे श्रोमणी अकाली दल बादल कौमी जॉइंट सकत्तर दलबीर सिंह जहांगीर की प्रेरणा सदका हलका खडूर साहिब तो आजाद उम्मीदवार गुरदेव सिंह अपने साथियों समेत श्रोमणी अकाली दल बादल च शामिल हो गए। उन्होंने आख्या कि वह हल्के के संपूर्ण विकास के मुद्दे से चोन मैदान में हैं। इस मौके अलविंदर पाल सिंह पखोके, गुरिंदर सिंह, अमरीक सिंह पखोके समेत कई लोग मौजूद सन। बहुत लोगों का उत्साह वा भज भज के लोग श्रोमणी अकाली दल के शामिल हो रहे हैं। जिथे भी जाइए हर पिंड बहुत लोग जड़े ने साड़ी पार्टी ज्वाइन कर वो लारे तो इलेक्शन के पार्टियां लादियाँ होंदिया पर कुछ पार्टियां ऐसा जड़ियाँ हद तो वह झूठ बोलदिया ने लारे लादियां ने मुड़के ना 20 तरीक तो बाद लभना नहीं एक श्रोमणी अकाली दल है जी पंजाब की पार्टी है रिजनल पार्टी आ ते हुण तक पंजाब का जो भी कुछ किया वा श्रोमणी अकाली दल ने किया वा बाकी तो दूरिया पार्टियां 20 तरीक तो बाद नहीं लभन गए। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु रविदास जी की जयंती की समूह संगत को वधाई दी है। परमेश्वर जी के महान भगत बाबा रविदास जी का जन्म दिहाड़ा और मैं उन्होंने इस महान जन्म दिहाड़े दूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत को बहुत 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 बधाई देना। उन्होंने अपने बोलों के राही अपने शब्दों के राही एक वड्डी क्रांति जिहड़ी है वह पैदा की। उच्च जातीय ब्राह्मण जिहड़े बनारस की धरती के उत्ते इन्हां दा हमेशा जिहड़ा है वह तिरस्कार करन दा यतन करदे सी लेकिन इन्हां ने बिल्कुल उन्हां दी परवाह नहीं कीती और उन्हां नूं ठोक बचा के उन्हां नूं निरुत्तर किया। उन्हां दे सवालों के जवाब दिते इस महान परमेश्वर जी दे भगत बाबा रविदास जी महापुरख पुरखों बहुत 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 इन्हों के जन्म दिहाड़े के उत्ते नानक नाम लेवा संगत को बधाई देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। विधानसभा हलका अमृतसर वैसट तो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार डॉक्टर दलबीर सिंह वेरका ने हल्के के वख-वख भागों में चोन प्रचार किया और लोगों नाल मुलाकात कर उन्होंने हक च वोट पाने की अपील की। इस मौके जसकरण सिंह गुमटाला, कश्मीर सिंह, हरपाल सिंह चन्नन, सुखविंदर सिंह, परमपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। न्यू मॉडल टाउन विखे अमृतसर वैसट कॉन्स्टिचुएंसी के एरिए एक पब्लिक मीटिंग अटेंड किया और सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि जेडे मानयोग रेजिडेंट सन वो हुम हुम आ के इत्थे पहुँचे ने और श्रोमणी अकाली दल तो बहुजन समाज पार्टी का जोड़ा गठबंधन है उसकी सपोर्ट वास्ते वो साडे नाल इत्थे खड़े हुए ने। असी उन्हां दा धन्नवाद करते हैं और अपील करते हैं कि 20 तरीक नूं आपां जिहड़ी है पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते पंजाब की मजबूत भाईचारा वास्ते और पंजाब की विच शांति ते खुशहाली लई श्रोमणी अकाली दल ते गठबंधन की सरकार बनाईए तो 20 तरीक नूं तकड़ी वाला बटन दबा के ते आपां श्रोमणी अकाली दल नूं वोट पा के इत्थों जिहड़ा गठबंधन का कैंडीडेट दास नूं इत्थों जिताउण। विधानसभा हलका अजनाला तो श्रोमणी अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ के उम्मीदवार अमरपाल सिंह बोनी अजनाला के हक में रमदास विखे भारी इकट्ठ होया जिसनों सबका सांसद डॉक्टर रतन सिंह अजनाला वालों संबोधन किया गया ते लोगों नूं अपील की कि अमरपाल सिंह बोनी अजनाला नूं जिता के हल्के का विकास कराया जाए। जे पंजाब की बेहतरी कोई पार्टी कर सकती है वो श्रोमणी अकाली दल इस करके लोगों ने ठीक आ इस बार फैसला बड़ा लम्मा चौड़ा है पर लोग तकड़े होके फाइनल तो सरदार प्रकाश सिंह की बादल की सरकार बना सर सुखबीर सिंह होर चीफ मिनिस्टर होणगे इस करके ये भी सीट जी तकड़े होकर लोग सामने जिता लें। सियाना बंदा उही होंदा जिहड़ा ठीक डब्बे ते चढ़ जाए तो जे डब्बा सर पुनता नहीं मिला तो दूसरे पास चढ़ जूगा। ये जिहड़े आए ना कांग्रेस छड़ के सियाने आ ठीक लाइन च आ गए। 20 फरवरी नूं होण वालियां चोणां दौरान विधानसभा हलका ईस्ट दे वोटरां दा आखणा है कि इस वार वोटां उस उम्मीदवार नूं पैणगियां जो हलके दे विकास कम्मां नूं पूरा करन विच समर्थ होवे
ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਈਸਟ ਹਲਕਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1800 ਲੋਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹੀ MLA, ਫਿਰ ਉਹ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ MLA ਬਣੇ ਨੇ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ, ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4.5-5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਰਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਆ ਤਾਰਾਂ ਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੇਰ ਘੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜੋੜੇ ਫੜਕ ਦਾ ਪੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਪੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੁੱਕਣ ਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਤਾੜਾ ਹੀ ਠੋਕਣਾ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਹਲਕਾ ਪੂਰਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਡੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਸ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਹਲਕਾ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜਾ ਕਲੋਨੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਵਾਤਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਠੋਕਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੁਰ ਬਸ ਬੰਬੇ, ਹਾ ਹਾ ਤਾੜੀਆਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੈਣੇ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ, 500-700 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਲਾਇਆ, ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ 500 ਕਰੋੜ? ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਨੇ, 0% ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 0 ਕੰਮ, 1 ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਕਿਹਦੀ ਪਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੁਣ ਠੁੱਕ ਚੱਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਔਲਖ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਔਲਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕੋ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਨਗਰ ਪਿੰਡੀ ਔਲਖ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਔਲਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਲਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮਨੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਂਪੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ
नीतियां बारे जागरूक किया गया अते हलका वासियां वालों श्रोमणी अकाली दल बादल नूं समर्थन देण दा भरोसा दिता गया। इस मौके सुरिंदरपाल पाटिया, चेतन, साहिल, राहुल, सुनील, सुखजिंदर सिंह मोनू, मोनू पाटिया, अश्विनी कुमार, दीपक पाटिया समेत वड्डी गिनती च इलाका वासी मौजूद सन। देखो घर घर दे विच वाजे मजीठा साहब दी, हर नौजवान बजुर्ग मेरिया माता भैन एक 20 तरीक का वेट कर रहे हैं भी कदों 20 तरीक आवे तो तकड़ी का बटन नप के सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी भारी बहुमत जिता के भेजिए। और अज मेरे नौजवान वीर सारे बब्बू होनी सारी इन्हों की टीम इतने बैठे इन्होंने मीटिंग की है तो इन्होंने पूरा मैनू विश्वास दवाया भी असी मजीठा साहब के नाल खड़े हाँ। विधानसभा हलका अजनाला तो श्रोमणी अकाली दल बादल अते बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार अमरपाल सिंह बोनी की मौजूदगी विच 15 परिवार कांग्रेस छड़ के श्रोमणी अकाली दल बादल विच शामिल हो गए। उन्होंने आख्या कि हलके का संपूर्ण विकास उन्होंने प्राथमिकता है। ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰ ਭਰਵਾ ਘਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਗਲਾੜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਭੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੱਜੂਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਟਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 4 ਰੌਂਦ ਜ਼ਿੰਦਾ, 32 ਬੋਰ, 1 ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ, 315 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 2 ਰੌਂਦ ਜ਼ਿੰਦਾ, 315 ਬੋਰ, 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਟਪਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। छोटे जे ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। भंडारी पुल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अपने आखिरी पड़ाव च अगले महीने लोकां नूं होवेगा समर्पित। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। We'll be right back.
one land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल बार बारी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बी 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव कम बैड बॉय बेबी वन मोर थोड़ा क्रैक जान लेवा रे से मेरा स्वैग लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। अमृतसर शहर की सुंदरता वास्ते कई उपराले किए जा रहे हैं जिन्हां विच नवे पुल नवी सड़क नवे पार्क शामिल हैं। वेखन विच आउंदा है कि शहर के ट्रैफिक नूं ध्यान विच रखदिया प्रशासन वालों भंडारी पुल की वाइडनिंग की जा रही है जो कि एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। पिछले तकरीबन 2 साल तो वध समा हो गया इस काम नूं चलदियां अते टाइम लगन करके शहरवासी परेशान सन। साडी फास्टवेन न्यूज़ टीम ने भंडारी पुल ते चल रहे काम का जायजा लिया अते कंपनी दे साइट सुपरवाइजर नाल गलबात की। कंपनी दे कर्मचारी ने दसिया कि काफ़ी टाइम पुल की वाइडनिंग नूं लग गया पर बहुत जल्द ही आम ट्रैफिक वास्ते खोल दिता जाएगा। असी अपने चैनल ते इस काम विच हो रही देरी बारे पहला भी दस चुके हैं पर लगता है कि कंपनी वालों छेती इस पुल की वाइडनिंग का काम पूरा किया जाएगा। शहर वासियों नूं एक नवे डिजाइन का पुल मिल रहा है जिहड़ा कि आधुनिक टेक्निक नाल बनाया गया है। इसको 2 से 3 साल लग गए, 15 से 16 दिन के अंदर हैंड ओवर कर देंगे। काम ओनली इसमें लुक डनली रहती है और पेंटिंग का काम रहता है। एक स्पैन कंप्लीट है अपना विद पेंट विद लुक। अभी थोड़ा टेम्परेचर स्लो होता है ना इस करके लुक नहीं डाल सकते ना, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे उसमें लुक डालने शुरू कर देंगे हम इस पर। जिसने रेलवे स्टेशन से आना जो मेरे बैक साइड ये ट्रैक देख रहे हो आप ये उनके लिए है और जिसने पकोड़ो वाली साइड से जाना वो उनके लिए है दूसरे वाले से पेन। भंडारी पुल वो पूरा बहुत पुराना हो गया था और उधर क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी उस पर। अब वो सारी ट्रैफिक इधर से डाइवर्जन हो जाएगी इससे और इजी मूवमेंट रहेगी लोगों के लिए, लोगों को आसानी हो जाएगी चलने में, कोई वो नहीं। भंडारी पुल के एक्सटेंशन का काम जिहड़ा कि पिछले तकरीबन 3 साल तो चल रहा है नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी यह कंप्लीट हो जाएगा। जिमें कि साइट इंजीनियर ने दसिया कि थोड़ा ही काम बाकी रह गया है, टैंपरेचर की वेट करते पे कि थोड़ी जी गर्मी बधे ताकि बिटूमन पा के इनू सड़क नूं प्रॉपर किया जा सके। खुशी होंगी पी है देख के कि जिन्ना ब्रिज के उत्ते ट्रैफिक जैम्स होंगे सन उन्हों तो शहर में निजात मिलेगी और एक नवा सोहना डिज़ाइन शहर के वास्ते इस कंपनी ने क्रिएट किया है। काफ़ी लंबा समा जरूर लग गया लेकिन खुशी है कि बहुत जल्दी यह चीज़ कंप्लीट मिलेगी सानू वेखन नूं। कैमरा पर्सन अजय नाल जेपी सिंह फास्ट न्यूज़ अमृतसर। साबका ADC अते श्रोमणी अकाली दल बादल दे मीत प्रधान राकेश कुमार ने आख्या कि श्रोमणी अकाली दल बादल ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा ही ऐसी समाज ते विकास अते भलाई लई काम कीता है जबकि दूजी पार्टियां ने हमेशा ही ऐसी समाज नूं अनगौला कीता है। साडी बड़ी श्रद्धा साडियां बड़ियां भावनावां जुड़ियां दे इस स्थल दे नाल, लेकिन ये साडियां भावनावां साडी जिहड़ी वी साडी श्रद्धा हैगी सी साडी आस्था सी उसकी कदर किन्ना ने पाई श्रोमणी अकाली दल ने ते सानू ये मंदिर दिता वा। खुद मेरे नाल जिहड़ा धक्का बहुत होया वा, धक्का की मैं तुहानू दस्सां, इन्हां ने टिकटां वेचियां वा आम आदमी पार्टी ने टिकटां वेचियां ते चलो वह भी बंदा बर्दाश्त कर लैंदा वा, वह भी बंदा गल्लां नूं इन्हां नूं बर्दाश्त कर लाला। मैरिट सीनियोरिटी कुछ नहीं देखिया, सिर्फ टिकटां वेचियां जिन्हें मुल देता वो खरीद के लै गया टिकट, कोई मैरिट कोई सीनियोरिटी नहीं देखी। बाबा साहब ने कहा कि जो लोग राजनीति से परहेज करते हैं उन्हें मूर्ख और जालिम लोगों के शासन में रहना पड़ता है। पहली गल असी वाल्मीकि समाज को बेनती करते हैं भी जे तुसी शासन करना है जे तुसी विधानसभा के अंदर आना तो विधानसभा के अंदर ता ही आओगे जो तुहानू टिकटा देणगे। और आम पार्टी जी जिदे वास्ते साढ़े बहुत सारे लोग जोड़े बड़ा झंडा चुकी फिरते झाड़ू चुकी फिरते हैं। मैं तुहानू एक गल दस दें, जिहड़ी पार्टी तुहानू अपना एक टिकट नहीं दे सकती MLA बनाउण दे लई तुहाडे ते विश्वास नहीं कर सकती, पूरे पंजाब के अंदर एक भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने जिस पार्टी ने टिकट नहीं दिती उस पार्टी घट्टो घट असी 23% तो ज़्यादा वोट है पंजाब के अंदर। श्री मुक्ति नारायण धाम वेंकटेश मंदिर तिरुपति बालाजी
ग्रीनफील्ड विखे 13वां ब्रह्मोत्सव 5 मार्च नूं धूमधाम नाल मनाया जाएगा। इस संबंध प्रभात फेरी कढ़ी गई। साबका मंत्री अनिल जोशी, सुनील उप्पल, चरणजीत भास्कर, चरणजीत उप्पल, रवि, नरेश शर्मा, प्रदीप कुमार समेत कई लोग मौजूद सन। जन्म दिवस के संबंध हो रहे समागम की लड़ी विच भगवती सतकीर्तन किया गया। कई लोगों ने हाजिरी भरी। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 645वें जन्म दिहाड़े के संबंध में मंदिर बाबा रामदेव जी चमरंग रोड विखे रैगर सभा के प्रधान सोनू भीम वालों लंगर लगाया गया और सब शहर वासियों इस दिहाड़े की वधाई दी गई। इस मौके सुरजीत, अमित, दीपक, रूपलाल, ताराचंद, सोहन लाल, किशन लाल समेत सारे मैंबर ने लंगर की सेवा निभाई। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। उप मुख्यमंत्री अते विधानसभा हलका अमृतसर केंद्री तो कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश सोनी ने चोन सभा नूं कीता संबोधन। साबका मंत्री विधायक अते विधानसभा हलका अमृतसर पूर्वी तो श्रोमणी अकाली दल BSP गठजोड़ के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया चोन प्रचार। मैडिकल सिक्ख्या मंत्री अते हलका अमृतसर वेस्ट तो कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार ने चोन सभा नूं किया संबोधन। ऐसा नाच दियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दिओ इजाजत। ਧੰਨਵਾਦ।